सच मैं बोलूं बातों में सच्चाई कोई नहीं किसी का 3.0 ना बातें करूं मैं मन चाहिए सच मैं बोलूं बातों में सच्चाई कोई नहीं किसी का 3.0 ना बातें करूं मैं मन चाहिए nobody don't worry। आपके गाने हैं वो क्या आप ही लिखते हो? कभी ऐसा लगा एक नया क्षेत्र है तो गांव में आपके फैमिली बैकग्राउंड में इस चीज़ का कभी इश्यूज हुआ क्या? आपके घर से भी कोई इस क्षेत्र में है? नहीं, आपका सिंगिंग का बैकग्राउंड 2 जुलाई को मेरा एक गाना आ रहा है मारवाड़ी है। बता ना करूँ हूँ करूँ बड़ी बड़ी थारा जैसे की मैं घाल दू घड़ी ही सब भूल जा लो तार एक जो पड़ी माथो गरम मारो पारो हाई है। कोई गर्लफ्रेंड है आपका? क्या लगता है आपको कि बहुत आगे तक जाएंगे? बहुत आगे जाएगा, टाइम आने वाला है, आ गया, ज्यादा दूर नहीं है अब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल DNY बर्ड में, और आज हमारे साथ है खास मेहमान युवा दिलों की धड़कन, एक उभरते हुए सितारे जिनके रैप पर युवा है वो थिरकने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। तो आज हमारे खास मेहमान है स्टूडियो में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल में आए। थैंक यू सो मच सर। क्या आपको जांगिर के नाम से ही जाना जाता है? अक्सर आपके एल्बम है वो जांगिर के नाम से आते हैं, तो क्या आपका यही रियल नाम है या कुछ और? मेरा नाम गणेश जांगिर है, वैसे मेरा जो स्टेज नेम है रैपर नेम है वो जांगिर है। आजकल रैप सिंगिंग का काफ़ी क्रेज़ है युवाओं में कुछ सालों से, क्योंकि अलग हटके एक चीज़ आई है इंडिया में, तो युवाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। तो आपको इसका कैसे इम्प्रेशन मिला, किस कैसे आप इस क्षेत्र में आए? अभी मेरा एक बार पहले भी इंटरव्यू था 2019 में, और तब भी मैंने बताया था कि जब 2010-12 में हनी सिंह आया था, मतलब उनके गानों पर हर कोई पागल था, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा, यानी हनी सिंह का क्रेज है युवाओं के सरचरण पर बोला था, और उसके बाद है वो काफ़ी जो हुनरबाज है रैपर है वो आगे सिंगिंग करते गए, बढ़ते गए, लोगों में क्रेज बढ़ता गया और आज इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। क्या आपके घर से भी कोई इस क्षेत्र में है? नहीं। आपका सिंगिंग का बैकग्राउंड? नहीं सर, कोई नहीं। कोई दूर दूर तक इस क्षेत्र में था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर आप हम की बात करें आपके टीम की, तो आपके गाने हैं वो क्या आप ही लिखते हो या कोई और? ज़्यादातर अपने गाने में खुद ही लिखता हूँ, लेकिन अगर कोलैब की बारी होती तो मिलके कर लेते हैं। यानी आप भी रैप करते हो, आप ही डायरेक्टिंग करते हो, सारा काम आप देखते हो? सारा मैं नहीं देखता, मैं जैसे मैं लिखता हूँ, मैं म्यूज़िक भी कर लेता हूँ, और ऐसे ही हो जाता है, मिलके दोस्तों के साथ हो जाता है। यानी कि एक तरह टीम वर्क में काम हो रहा है? हाँ, मेरी टीम में है, जैसे एक अमन है मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, संजय यो जिसका नाम यो फैन स्टार के नाम से है, और है एक दो ऐसे बंदे हैं जो साथ में करते हैं। कभी ऐसा लगा आपको कि एक नया क्षेत्र है तो गांव में आपके फैमिली बैकग्राउंड में इस चीज़ का कभी इश्यूज़ हुआ, क्योंकि रैप से जो गाने हैं वो एक तरह गाली गलौच वाले या सीधे होते हैं, जो पुराने गाने चलते हैं उस टाइप से नहीं होते? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरी फैमिली में मतलब सब सपोर्ट करते हैं, और मेरी फैमिली के अलावा एक शख्स और है जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, मैं आपको उनसे मिलवाना भी चाहता हूँ। अच्छा, यानी कि इस तरह का कोई इशू नहीं रहा आपको कि क्या गा रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट गाते हैं, सीधा गाते हैं, तो इस तरह का? नहीं, उनको इस चीज़ की समझ भी नहीं है ना, इसलिए तो कोई ऐसा इशू हुआ नहीं अभी तक और ना ही होगा। तो अगर आप किससे इंस्पिरेशन हुए थे कि जो आपके चहते सितारे या जिनके गाने सुन के आप ये गाते आए हो? मैं जैसे हनी सिंह के बारे में बताया तो मैंने उनको मतलब स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले उन्हीं को देखा और उनसे इंस्पायर हुआ और मैं भी स्टार्ट हो गया। इसके अलावा आपके जो और आने वाले एल्बम हैं, क्योंकि तेज़ रहता है युवाओं में, इंतज़ार करते हैं कि नया क्या आएगा, नया क्या आएगा, तो और आगे क्या प्लानिंग है और क्या आने वाला है नया? अभी मेरा 2 जुलाई को ही मेरा एक गाना आ रहा है मारवाड़ी है, यार गैंगस्टर, उसकी मैं 2 लाइनें भी सुनाना चाहूँगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जब बात रैप की होती है तो क्यों ना ऑडियंस को सुनाया जाए। बता ना करूँ हूँ करूँ बड़ी बड़ी थारा जैसे की मैं घाल दू घड़ी ही सब भूल जा लो तार एक जो पड़ी माथो गरम मारो पारो हाई हेलो काले मारो है सफेद थारो काई हेलो एक लठ में सब भाग जाला अंडी वंडी छुप लो और लादे कोने गेलो।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही खूब आपने गाया। और जब साउंड लय और ताल का जब मिल जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, तो और भी सुंदर, बहुत अच्छा आप गाते हैं। इसके अलावा जो सपोर्टर है, जो आपने बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे साई की तरह रहते हैं, और अब तक की जो सफलता है आप उसमें साथ है, तो आप उनसे भी मिलवाना चाहोगे? एक इंसान है मेरा भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पर। एक बार आपका परिचय। और मैं महेंद्र सिंह राजावत वाटिका से ही हूँ, और भाई जैसा है मेरा, तो ऐसा मैं कोई सोचता नहीं हूँ कि भाई ये मेरे से मदद मांगता है, छोटा भाई है तो छोटा भाई का मतलब फ़र्ज़ नहीं बताता हूँ मैं, ऐसे कोई नहीं है कि भाई ये मैं इसकी मदद करता हूँ। क्या लगता है आपको कि बहुत आगे तक जाएंगे? बहुत आगे जाएगा, टाइम आने वाला है, आ गया, ज़्यादा दूर नहीं है अब, यानी सबका टाइम आएगा, यानी आने वाला है जी। किस तरह का कभी ऐसा लगा कि ये डिप्रेशन में हो, या कभी नया एल्बम नहीं आ रहा हो और मायूस हो, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में आपको पता है मुश्किल तो आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी तरक्की तो मिलेगी एक दिन, वो सबको पता है। यानी आपकी तरफ से फुल सपोर्ट है? बिल्कुल, पूरा पूरा सपोर्ट है, और आप जैसे जब साथ रहेंगे तो तरक्की मिल ही जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जब ऐसे दोस्त हो, यार हो, फैमिली वाले हो, तो एक दिन मंजिल है वो ज़रूर मिलती है। अगर हम बात करें जो बड़े रैपर है, बड़े लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, सपोर्टर होता है, लेकिन जो न्यू कमर है, लो फैमिली से आते हैं, उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल 2017 में, अभी भी ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मतलब पहले से अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब खुद की मेहनत से ही होगा वो जो भी होगा। काफ़ी चैनलों पर आपको इनवाइट किया गया है, अब तक बुलाया गया है प्लेटफॉर्म पर, FM हो या अदर पे भी? हाँ, एक दो बार FM पे भी और TV शोज़ में भी एक दो बार, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा खास मिला नहीं है जो चाहिए। नहीं देखो, कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन आपके गानों में, आपके रैप में दम होता है, और युवा वो पसंद करते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अब इससे भी बेटर गाने आने वाले बस। यानी और कुछ नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सुनाते कुछ ऐसा सुना। और इसके अलावा और भी कुछ सुनाना चाहोगे जो आपका सबसे प्रिय हो, आपको पसंद हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं पता नहीं ऐसा कुछ टाइम आएगा जब मतलब अपनी माँ के लिए कुछ कर पाऊँगा, तो मैं उनके लिए कुछ लिखा था, वो बता मतलब सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने किया कुछ नहीं लेकिन करना बहुत कुछ है, सपने मेरे सोए हैं तभी तो माँ, बेटा तेरा चुप है, नींद से जगा दूंगा, ऐसा दिन भी ला दूंगा, माँ तुझे कभी खुशी नहीं दी, तेरे चेहरे पे वो खुशी भी मैं ला दूंगा, हम बड़ा अपना घर रोगा, गोद में तेरे सर रोगा, गम तुझसे कोसो दूर, बेटा तेरा इतना मशहूर होगा, तूने ही सिखाया है, हार नहीं मानूंगा, हार भी हारेगी जीत बना दूंगा, सपने दिखाए तूने मुझे खुली आंखों से, उन सपनों को मैं पर लगा दूंगा, हाथ तेरा सिर पे है, कामयाबी पैर मेरे चूमेगी, दिन भी ले आऊँगा जब मेरे गानों पर दुनिया सारी झूमेगी, झूमेगी चूमेगी, अर्थ गोल है पक्का ये तो घूमेगी, बस माँ हमेशा पास हो, आपको सुनने में लगे रैप पर बताऊँ अपने जज्बात को, माँ तेरी माँ मेरी माँ की ममता होती है उतनी ही गहरी, चुपचाप रह लेगी कुछ भी ऐसे लेगी, एक निवाला होगा तुझे खिला के भले ही खुद भूखी रह लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही खूब गाया, माँ के लिए अपनी भावनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। अब इसके अलावा आप कुछ सुनाना चाहोगे अपने दोस्तों के लिए, अपने जो बैग आपके लिए बैकग्राउंड सपोर्टर थे, आपके पीछे साई की तरह खड़े थे, या कोई आपकी गर्लफ्रेंड के लिए? कोई गर्लफ्रेंड है आपका? आपने सवाल ऐसा पूछ लिया, उसका जवाब देना भी उचित नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, सवाल का जवाब ना दे, लेकिन जो भी है आपकी पर्सनल लाइफ में, क्या उसके लिए आपने कभी रैप बनाया कुछ? हाँ बनाता ही रहता हूँ, क्योंकि अच्छा तो कुछ सुनाना चाहोगे? सुनाता हूँ। बिल्कुल, प्यार है तू पहला तेरा साथ निभाऊं जैसे मजनू, और लैला न रहूं अकेला, मुझे बातों से ना बेला, तेरे बिन कैसे दिन न काटे, कितनी मुसीबतों को झेला, यू नो दैट था पास मेरे आ, सॉफ्ट सॉफ्ट था तो सह मेरे बालों को तो सहला, मैं तेरा मजनू और मेरी लैला, कभी छोड़ के ना जाना, बिकॉज वो आखिरी पल होगा मेरा, आँखों में बस एक तेरा चेहरा। वाह बहुत ही खूब, अगर घर वालों ने देख लिया तो मजनू लैला तो मेरा तो निकाल ना ना, वो कोई मजनू लैला नहीं बनाएगा, जब इतना अच्छा आप गाते हो तो कोई आपको छोड़ने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, कौन चाहेगा कि एक स्टार को हम छोड़ के जाए,
एक बढ़ते सितारे को छोड़ के जाए, जो अपनी भावनाओं को अपने रैप के माध्यम से व्यक्त करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में पधारे, और इसी तरह आप प्रोग्रेस करते रहिए, सफलता अर्जित करते रहिए और युवाओं के दिलों में छाते रहिए, जिससे लोगों को भी आनंद मिले, आपको भी अपनी सफलता में नाज हो, आपकी फैमिली को, आपके चाहने वालों को आप पे नाज हो। और हम आशा करते हैं कि आपका जो नया एल्बम है आने वाला है वो जल्द आए, क्योंकि वो उसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है। कुछ नया आए, कुछ अलग आए, जिससे जो उम्मीद है युवाओं की उस पर आप खड़े उतरे और आपको सफलता मिले। तो मैं धनराज योगी, DNY बर्ड, जयपुर।